सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवान भसीन। तो गाइस, मैंने आपको पता ही होगा, मैंने बहुत टाइम पहले से वीडियो नहीं डाली थी, अब डाल रहा हूँ निफ्टी के ऊपर, क्योंकि इसने अपना 52 वीक हाई को ब्रेक कर दिया है। और मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले जो मैंने निफ्टी के ऊपर एक वीडियो बताई थी, तो मैंने उस पर आपको बता दिया था कि ये 10,000 11,300 तक आराम से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो बटरफ्लाई पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, अगर आपको बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो मैंने अपनी इसी चैनल पे एक सन फार्मा के ऊपर वीडियो अपलोड करी है, जिसमें मैंने सन फार्मा के ऊपर एक बटरफ्लाई पैटर्न बना था, वो मैंने आपको बताया था कैसे बना था, किस तरीके से बना था और कैसे उसका हमें टारगेट अचीव हो गया। तो गाइस, मैंने सन फार्मा में 610K लेवल्स पे ही मैंने बता दिया था कि यहाँ से हमें मैंने सन फार्मा को शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि बटरफ्लाई पैटर्न क्रिएट हुआ है और वहाँ से हमें 530 के लेवल्स मिल जाएंगे, और वही उसका लो था और वहीं से इसने एक स्पर्ट दी थी। तो गाइस, जैसे निफ्टी ने अपना एक 52 वीक हाई को ब्रेकआउट दिया, तो 52 वीक हाई को ब्रेकआउट देना था, क्योंकि वहाँ पर उसका एक 161% रिट्रेसमेंट यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू बटरफ्लाई पैटर्न उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पर आपको लेवल दिख रहा होगा 161.8%, वही उसका लेवल है जहाँ पर निफ्टी गया है। और आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रीवियस टॉप है उसको काटा है गैप अप। अगर इसने गैप अप काटा है तो ये गैप को फिल ज़रूर करेगा। एक बार तो ये गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, यानी कि मंडे को दे सकता है या ट्यूसडे को देगा, और वहाँ से अपने इस लेवल इस बीच का डिफरेंस को कवर अप करने की निफ्टी ज़रूर कोशिश करेगा, तो हमारे लिए एक ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पर गाइस, ये एक 100 या 150 पॉइंट की मूवमेंट होगी, तो इसमें लोग यही सोचेंगे कि हमें यहाँ से अब एग्जिट कर लेना चाहिए, इसका वो टॉप बन चुका है नया, अब यहाँ से एक ये मार्केट गिर सकती है। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक बार और ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर आप बात करें, जब भी बटरफ्लाई पैटर्न बनता है तो हमें देखा होना चाहिए कि जो वो पैटर्न बन रहा है वहाँ पर कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ इस लेवल पे कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो गाइस कोई स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी हम नहीं कह सकते एक बटरफ्लाई पैटर्न के बेसिस में कि हमें यहाँ से इसको शॉर्ट करना चाहिए। अब अगर हम स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करें, तो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही और पैटर्न्स के बेसिस में ही मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मार्केट का रिएक्शन होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही चलता है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, जिसका लेवल आ रहा है कुछ 11,400 का। तो गाइस, 11,400 में मुझे लगता है कि यहाँ तक निफ्टी जा सकता है, आराम से जा सकता है, पर एक थोड़ी फॉल दे सकता है। फॉल देने का मतलब यह है कि जो जिस जैसे हम लोग बाय नहीं कर पाए, रिटेल इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी को बाय नहीं कर पाए, वो दोबारा बाय कर ले और 11,400 तक ये आराम से चले जाएगा। गाइस, 11,400 तक ये जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट का सब रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, तो हमारे लिए दोनों एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। दो चीज़ें सजेस्ट कर रही हैं कि यहाँ से 11,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छे से क्रिएट हो सकती है। गाइस, दूसरी चीज़ फिर बना जो हम कह रहे हैं कि ये बटरफ्लाई पैटर्न बना है, तो बटरफ्लाई पैटर्न ये कंप्लीट सजेस्ट कर रहा है, तो इसका जो टारगेट एक्सपेक्ट अगर हम करके चले तो 10,950 का आ रहा है, यानी जो एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर हम प्रीवियस आपको मैं अर्ली चार्ट्स में लेकर जाऊंगा, तो प्रीवियस ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का फेस कर रहा था। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितने दिन इसी लेवल को इसने टेस्ट करा और वहाँ से एक मूव अप मूव दिया, तो ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम करेगा 10,950 का। तो हम एक ये मान के चल सकते हैं 10,950 और ऊपर की तरफ 11,400, ये हमारे लिए एक बीच की रेंज निकल के आ गई है, जिसके करीब हमें मिले वहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन बनानी है उसकी तरफ। तो गाइस, अब मैं आपको पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि हमें मार्केट को शॉर्ट करना है, क्योंकि मार्केट अब एक फॉल ले सकती है। मैंने आपको बहुत पहले ही अपनी एक वीडियो में बता दिया था इलियट वेव की थ्योरी के बारे में, मैं आपको एक इलियट वेव की थ्योरी में लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या नया पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये फिबोनाची ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप आराम से समझ जाएंगे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इसने फिफ्थ वेव की अपनी जो स्टार्टिंग है वो कंप्लीट कर चुका है, मतलब स्टार्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वेव आ गई, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है, और फोर्थ वेव के बाद ये इसने फिफ्थ वेव बनाई है। गाइस, अभी ये फिफ्थ वेव हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, फिफ्थ वेव अभी बहुत ऊपर तक जा सकती है, अराउंड यहाँ तक जा सकती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि फिफ्थ वेव कहाँ तक जा सकती है,
अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें कहाँ से शॉर्ट करना है, क्या करना है। गाइस सबसे पहली बात, फिफ्थ वेव जो बनेगी वो बहुत टाइम बाद जाके बनेगी, और अगर मैं आपको एक्सपेक्टेशन दूँ तो इस फिफ्थ वेव का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 12,000 का लेवल निकल के आ रहा है। अब वो कैसे निकल के आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वेव बनी है, फर्स्ट वेव ने जितनी अप मूव दिया, अगर आप मान के चले यहाँ से देखिए 6,800 का लेवल है, और ये जो इसका लेवल है ये 8,900 का लेवल, यानी कुछ 3,000 पॉइंट का लेवल है, जो 3,000 पॉइंट ये अप मूव गई है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो है, और यहाँ तक ये अगर हम यहाँ बॉटम से इसका 3,000 प्लस करेंगे तो कुछ 12,000 का लेवल निकल के आ रहा है। तो गाइज 12,000 तक ये आराम से जा सकता है, फिफ्थ वेव का पैटर्न कंप्लीट करेगा। और एक हम कह सकते हैं फिफ्थ वेव का जब पैटर्न कंप्लीट होता है तो 12,000 से अगर आप समझ लीजिए कि ये 9,000 आ गया, तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक रिसेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। 12,000 से 9,000 आने मतलब 3,000 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगा। तो गाइस ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। पर एक सबसे पहली बात, अगर हम इलिट वेव की बात करते हैं, इलिट वेव हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें इसे बाय करना है 12,000 के लेवल के लिए। जो हमारे पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं, पैटर्न हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें शॉर्ट करना है। तो गाइस ये हम कॉन्क्लूजन कैसे निकाले, कॉन्क्लूजन निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैंने डेली चार्ट्स में आपको दिखाया था कि एक बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है, आली चार्ट्स में बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है, मतलब उसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट एक फॉल ले सकती है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें यानी हम 3 4 5 साल की बात करें तो हमारे लिए मार्केट बहुत बुलिश है, और ये हायर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाई जा रही है। तो गाइस ये हमारे लिए कॉन्क्लूजन निकल के आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर टेस्ट करेगी, पर शॉर्ट टर्म में यानी इस साल के अंदर निफ्टी 12,000 के लेवल तक नहीं जा पाएगी, हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए हमें किस तरीके से वर्क करना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 11,400 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहाँ पर दो स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिख गए हैं, और अपने टॉप से अगर हम आपको मैं फिबोनाची में लेकर चलता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ तो भी आप समझ जाएंगे। ये जो इसका टॉप निकल के आ रहा है जो मैंने आपको बताया, ये 243.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं गाइस। तो हम कह सकते हैं कि ये लेवल भी हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने के लिए, और अगर हम 11,400 तक आता है और वहाँ से फॉल करता है एक, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हम एक 10,000 का पुट उठा के चल लें या 10,200 का पुट उठा के चल लें, और हम अच्छे लेवल से वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरी बात कैसे, अगर ये यहाँ से फॉल लेना शुरू करती है और फॉल लेने के बाद जो इसका ये 10,950 का लेवल है वो तोड़ देती है या फिर वो ब्रेक कर देती है, उसके नीचे सस्टेन करती है, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि 10,000 का लेवल वो आराम से टेस्ट करेगी, और जो उसका वो टॉप था वो एक टॉप बन चुका है, और वहाँ से एक फॉल आ सकता है, यानी कि 1,000 या 1,100 1,200 पॉइंट्स का फॉल आराम से आ सकता है। तो ये मैं आपको खास चीज़ें समझा रहा हूँ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। कोई आपको इलिट वेव में बताता होगा फिफ्थ पैटर्न बन गया, ये होगा वो होगा, पर गाइस अभी फिफ्थ पे पैटर्न बनना बहुत दूर है, 12,000 का लेवल है। फिफ्थ वेव पैटर्न बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका टारगेट कहाँ तक है, वो कहाँ तक जा सकता है। तो गाइस टारगेट एक्सपेक्ट हमें ऐसे ही कर सकते हैं कि जब हमें पता हो कि जो इसका प्रीवियस जो फर्स्ट वेव बनी है उतना ही हमारा फिफ्थ वेव बनती है या उसके ऊपर बनती है, मतलब 12,000 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद हमारा ए बी सी पैटर्न स्टार्ट होगा जो इलिट वेव खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। तो गाइज ये कुछ खास चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और दूसरी चीज़, मैंने 2 दिन से मार्केट में ट्रेड नहीं लिया, यानी कि जब एक्सपायरी थी और एक्सपायरी से 1 दिन पहले, तो उसका रीज़न यही था कि मुझे मार्केट को समझना था कि मार्केट क्या करने वाली है, क्या मार्केट गिर सकती है या मार्केट को ऊपर जाना रेडी है। तो गाइज जिस तरीके से मार्केट आपने एक्सपायरी वाले दिन ऊपर गई है और उससे 1 दिन पहले ऊपर गई है, तो अगर हम सिर्फ स्टॉक्स को ऑब्जर्व करें, तो अगर आप देख आप इसे ऑब्जर्व करिए कि बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर गया, बैंक निफ्टी ने अपना 52 वीक हाई लगाया, आप सिर्फ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को देखिएगा कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं आई है, कोई भी ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं और नीचे ही रहे हैं, 1-2 रुपए की मूवमेंट आई होगी, वरना थोड़े बहुत तो नेगेटिव ही रहे हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, कॉन्क्लूजन ये निकल के आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, मतलब मार्केट ये हमारे लिए नेगेटिव सिग्नल अपॉर्चुनेट कर रहा है कि मार्केट तो ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं, और हमारे जो स्टॉक्स हैं उस इंडेक्स के अंदर वो भी नीचे जाए जा रहे हैं। तो इसका इंडिकेशन ये निकल के आ रहा है कि मार्केट एक फॉल ले सकती है,
और हमें एक फूल बनाने के लिए ये हमें एक अपस्पर्ट दे रही है या हमें एक ब्रेकआउट दे रही है कि जिसकी वजह से हम अपने लॉन्ग पोजीशंस बनाए और मार्केट यहाँ से एक फॉल दे दे। तो गाइज मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बार बार बता चुका हूँ कि ये जो ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट में जो कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसके बाद जाके हमें अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए। अगर ब्रेकआउट से एक ये सिग्नल फॉल सिग्नल हो जाता है, क्योंकि जो ये ब्रेकआउट आते हैं बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि ब्रेकआउट आ गया, अब हमें बाय करना है, पर वहीं से एक जो पर्टिकुलर स्टॉक या निफ्टी है वो फॉल कर देती है और हम समझ जाते हैं। तो गाइज ये कुछ चीज़ें, खास चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ और कि मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि सर आप टेक्निकल एनालिसिस सिखाइए हमें। तो गाइस मैं आपको श्योरिटी नहीं देता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना एक वेब में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट कर दूँ। वेब का मतलब ये हो गया कि आपसे फेस टू फेस कन्फेशन होगी, लैपटॉप पे स्काइप के थ्रू हो जाए या कोई और अदर ऐप के थ्रू, आपको एक दिन में 2 घंटे हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है, आपको 15 डेज की वो क्लास होगी। 15 डेज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ सारी टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि आप इंट्राडे के अंदर कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ए टू जेड चीज़ें सिखाऊंगा कि ये पैटर्न्स कैसे डेवलप होते हैं, फिबोनाची कैसे लगाया जाता है, ट्रेंड लाइन का यूज़ कैसे होता है, कौन से डे में अगर हम 1 डे का यूज़ करें तो कौन सी मूविंग एवरेजेस हमारे लिए ज़रूरी है, या कौन से इंडिकेटर्स इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं, आपको ए टू जेड सिखाया जाएगा बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर। 15 डेज का ये होगा पैकेज, तो मैं अभी श्योरिटी नहीं देता हूँ। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दीजिए, अगर ज़्यादा लोग निकलते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं, या मेरे ईमेल मुझे कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो लिख दीजिए कि मुझे इंटरेस्ट है, और अगर ज़्यादा तो लोग बनते हैं तो हम अपना ये स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 15 अगस्त से पहले पहले हम अपना सारा कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन या ईमेल या टेलीग्राम के थ्रू मुझे बताइए कि हम लोग इंटरेस्टेड है। अगर 40-50 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो गाइज हम आराम से स्टार्ट कर लेंगे और हम शुरुआत से हम अच्छी तरीके से वर्क करके चलेंगे, क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं बहुत से लोग यूट्यूब में वीडियोज़ डालते हैं पर मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट वीडियोज़ बताता हूँ कि ये क्या होने वाला है। कोई भी अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ में आपको नहीं बताया हुआ ये पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न, AB=CD पैटर्न, ये पैटर्न होते क्या हैं। पर मैंने आपके साथ लाइव शेयर करा था सन फार्मा में कि मैंने आपको बताया था कि 610 पर शॉर्ट करिए, 530 का टारगेट है, आप अभी भी चार्ट्स में देख सकते हैं, मेरी वीडियो खोल के देख सकते हैं, आप आराम से बस समझ जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है, अगर आपको कोई और वीडियोस पसंद आती है, वरना आप सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर के ऊपर आप वीडियो डालिए, ये मुझे सिखाइए, तो गाइस मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कौन सी तरीके की वीडियो चाहिए, मैं उसके हिसाब से वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे या कमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर या सजेशन के अंदर, मैं उसके लिए वीडियोस जल्दी अपलोड करूंगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही। तो गाइज यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूं। आप समझ गए होंगे कि शायद मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है मंडे को, क्योंकि उस गैप को फिल कर सकती है। मैं गाइज आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि वो गैप को फिल करेगी, पर गैप को फिल कर सकती है। अगर वो डिप आता है तो आप ये मत सोचिए कि वहाँ से हमें निकल जाना है, अपनी सारी पोजीशंस एग्जिट कर लेनी है, वो डिप होगी हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बाय करने के लिए, और थोड़े बहुत जो मार्केट के अंदर जो रिस्क नहीं ले सकते वो लोग अपनी पोजीशंस को काट देंगे, क्योंकि पता है मार्केट एक जो रिस्क जो नहीं ले सकते मार्केट उन्हें मार्केट से निकाल देती है, ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, तो वो एक फॉल उन्हीं के लोग हैं, वो लोग निकल जाएंगे और हम जैसे लोग एंटर करेंगे, तो हमें सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स की तरह ही सोचना है कि वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। हमें रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ वर्क नहीं करना, हमें एक प्रोफेशनल की तरफ वर्क करना है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपके पास कोई भी डाउट्स आते हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के ऊपर तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। ऑप्शंस के बारे में भी आप आपको उसके बारे में स्ट्रैटेजीज बताएंगे, आप कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रेडल बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे, आप सारे साथ आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप उस कोर्स के अंदर एलिजिबल हो जाएं कि आप कुछ भी अपने आप ट्रेड ले सकें। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए ज़रूर, और अगर आपको मेरी पेड सर्विस चाहिए तो आप पेड सर्विस भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम इंट्राडे कॉल्स देते हैं, जिसमें अगर आपको कैश कॉल्स चाहिए तो आपको कैश कॉल्स प्रोवाइड होती है। फ्यूचर कॉल्स में हमारी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 1.2 लाख होनी चाहिए, तभी हम आपको फ्यूचर कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं और ऑप्शन कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी एलिजिबल है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप के अंदर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ कर सकते हैं। जो भी मेरी पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं वो आपके साथ मैं उसी में शेयर कर लूँगा और आपको रिकॉर्ड दे दूंगा उसका। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक इस वीडियो को ज़रूर दिएगा। तो मिलते हैं कल नई अगली वीडियो के साथ।